इंदौर में कार्यरत एलआईसी के कर्मचारियों का अर्धनग्न प्रदर्शन और की नारेबाजी। इंदौर के एलआईसी ऑफिस में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों ने अपने प्रदर्शन के चौथे दिन अर्धनग्न प्रदर्शन करते हुए कर्मचारियों को ठेका प्रथा से मुक्त कर नियमित किए जाने और नियमित कर्मचारियों की तरह सुविधा मुहैया कराने की मांग की है। नौकरी से हटाए जाने पर एलआईसी के दैनिक वेतन भोगी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों ने सोमवार को इंदौर हाईकोर्ट स्थित कार्यालय के बाहर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के अलावा एलआईसी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। इन कर्मचारियों का कहना है कि 30 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, एलआईसी प्रबंधन ने ठेका प्रथा लागू करते हुए जबरन हम लोगों को निकाल दिया है। कर्मचारियों का यह भी कहना है कि अगर उन्हें नौकरी नहीं दी गई तो वे आंदोलन करेंगे, आवश्यकता होने पर सड़क पर आत्महत्या और आत्मदाह भी करेंगे। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि पिछले कई महीने में अलग अलग तारीखों के बीच कई दैनिक वेतन भोगी चतुर्थ वर्गीय को हटा दिया गया है। इंदौर से संजय शर्मा की रिपोर्ट। हमने लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं, कल भी करा था, 28 को भी करा, 27 को करा, हमारी कोई मतलब मांगे पूरी नहीं कर रहा है, ना हमारी तरफ फोकस कर रहा है। तो आज हमने थोड़ा अलग करने का, अर्ध नंगा प्रदर्शन करने का सोचा है कि इससे मैनेजमेंट को दिखे, थोड़ी आंखें खुले, कुछ तो हमारी तरफ दृष्टि डाले, हम गरीबों का भला हो। यहाँ पे सालों से बेचारे कर्मचारी काम कर रहे, दैनिक वेतन भोगी 20-25 साल से कार्य कर रहे, किसी को न्याय नहीं मिला है। हमको ये आखिरी रास्ता दिखा है, आज हमने ये करा, अगर अभी भी हमारी मांगे पूरी नहीं तो कल फिर हम आत्मरक्षी, आत्मशक्ति, आत्महत्या करने का प्रयास करेंगे, जिसके जवाबदारी एलआईसी की होगी। कई सालों से हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही, सालों से कर्मचारी काम कर रहे, अचानक से उनको बंद कर दिया गया, ठेका प्रथा लाया गया। हमारी मेन मांग ये है कि ठेका प्रथा पर रोक लगाया जाए, जो सालों से काम कर रहे हैं उनको न्याय मिले, उनको नौकरी मिले। मेरा नाम दीपेश पंवार, सभी ब्रांचों में अस्थायी कर्मचारी जो हैं वो लगभग 15-20 वर्षों से काम कर रहे हैं, जो एलआईसी ने मौखिक तौर पे बोलकर 1 तारीख से इनको ठेके में डाल दिया सब लोगों को, और हम इसी का विरोध कर रहे हैं, जो कि एलआईसी के ऊपर 2.5 करोड़ रुपए की पेनल्टी भी शूट आउट हुई है, इसको लेकर भी एलआईसी के लिए विरोध कर रहे हैं। हाँ, हम आगे भी अभी मजबूर कर रहा है मैनेजमेंट हमको, और आगे हम लोग, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम आगे भी इसका विरोध करते रहेंगे।